हे गाइस, वेलकम टू माय शॉर्ट वर्कआउट वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहेगा वर्कआउट के ऊपर, वो रहेगा शोल्डर। तो शोल्डर में मैं क्या क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सेट रहेगा वो बारबेल शोल्डर प्रेस रहेगा, जो कि मेरा चार सेट रहेगा। पहला सेट एज यूजुअल वार्म अप सेट रहेगा और वर्किंग सेट तीन रहेगा। आप वेट अपने हिसाब से बढ़ाइए। अभी हम मारने वाले हैं लैटर प्रेस, जो कि रहेगा हमारा सेकेंड वर्कआउट। ये भी आपका सेम रहेगा, चार सेट रहेगा। पहला सेट वार्म अप रहेगा, तीन सेट वर्किंग सेट रहेगा। तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने 7.5 से वार्म अप किया था और 10 kg से मैंने वर्किंग सेट स्टार्ट किया था। अभी जो रहेगा जो कि है डंबल प्रेस, इसमें रहेगा आपका तीन सेट। इसमें कोई आपका वर्किंग सेट नहीं रहेगा, पर डंबल प्रेस में आपका तीन ही सेट रहेगा, जो कि रहेगा वर्किंग के ऊपर। आप 15-20-25 ले सकते हैं, आप 10-12.5-15 ले सकते हैं, आपके कैपेसिटी के ऊपर। बस ध्यान रखें कि कान के नीचे या फिर कान के पास में होना चाहिए। अभी ये कंप्लीट होने के बाद हमारा चौथा एक्सरसाइज जो कि रहेगा पेक डेक फ्लाई। पेक डेक फ्लाई में क्या रहता है, रियर डेल जितना आप धीरे से पकड़ के मारेंगे उतना अच्छा है। वो भी आप कम वेट में मारना, जितना कम वेट रहेगा और जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करके पकड़ के मारेंगे उतना रियर डेल में काम अच्छा आएगा, पंप भी अच्छा आएगा। तो इसका भी तीन सेट रहेगा। अभी जो पाँचवा एक्सरसाइज है ये है हमारा मशीन केबल अपराइट, जो कि आप देख रहे हैं ये भी आपका तीन वर्किंग सेट रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, अब जब ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो आपका मोशन एक तरफ रहेगा, जब नीचे की तरफ लेके आए जितना आप धीरे से लेके आए उतना अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जब खींच रहा हूँ जब नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, लास्ट में जब मैं एक स्ट्रेच दे रहा हूँ अपने शोल्डर्स को, ट्रैप्स को, तो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये जो हमारा 6 नंबर का एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि रहेगा श्रग्स। अब श्रग्स में क्या होता है, जैसे कि आपको सबको पता है कि आप जितना शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचोगे और होल्ड करके नीचे की तरफ लोगे उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो कंप्लीट हो चुका है मेरा वर्कआउट, ये मैंने श्रग्स 4 सेट किया है 20-20 करके। तो गाइस, दूसरे रूम पे मैं आ चुका हूँ तो अपने पंप चेक करने, शोल्डर का पंप आप जैसे देख ही सकते हैं, रियर डेल से लेके वो सेपरेशन मुझे समझ में आ रहा है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट शॉर्ट वीडियो पे। Peace out.